बात करेंगे देवभूमि की। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरहद पर तैनात देश के जवानों के साथ दिवाली मनाई। अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत राज्यपाल और मुख्यमंत्री दीपावली पर ईस्ट कैंप गढ़वाल स्काउट माणा पहुंचे और सेना के जवानों से मिलकर उनका हौसला बढ़ाया। इस मौके पर उन्होंने जवानों को मिठाई खिलाकर खुशियां बांटते हुए दीपावली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि विषम परिस्थितियों में सरहदों पर तैनात देश के जवानों के जोश और जुनून पर हम सबको गर्व है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के ईस्ट कैंप माणा पहुंचने पर सेना के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जवानों के साथ दिवाली मनाने का मेरा सपना था, आज दिवाली पर आपके बीच आकर मैं अभिभूत हूं। तो जवानों के साथ दिवाली मनाने का सपना पूरा हुआ है, ये पुष्कर सिंह धामी ने कहा। और पुष्कर सिंह धामी जवानों के बीच नजर आए, उन्होंने जवानों के बीच रहकर दिवाली का त्यौहार मनाने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तो जवानों को मिठाई खिलाई गई, सीएम ने दीपावली की शुभकामनाएं भी दी हैं। तो माणा चमौली की ये तस्वीर दिखा रहे हैं, जवानों के साथ दिवाली मनाने का सपना पूरा हुआ, ये सीएम ने कहा। संदीप नेगी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, जिस तरीके से मुख्यमंत्री की तरफ से ये कहा गया कि जवानों के बीच रह के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक तरह से बैकग्राउंड भी पुष्कर सिंह धामी का थोड़ा जवानों वाला ही है, उनका सैनिक परिवार का ही है, और ऐसे में वो जब उनके बीच मौजूद थे, जवानों के बीच, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा गौरव महसूस किया है। जी बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड की अगर बात करूँ तो सबसे पहले उत्तराखंड सैन्य भूमि है और यहाँ हर परिवार से एक कहीं ना कहीं एक जो जवान है वो सेना में है। लिहाजा यही वजह है कि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल खुद माणा पहुंचे हैं और माणा परिसर में उन्होंने सैनिकों के साथ दीपावली मनाई है और इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। साथ सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि उन्हें बहुत खुशी हुई है कि जब वो ऐसे ऐतिहासिक मौके पर कहीं ना कहीं जो जवानों का है वो उत्साहवर्धन भी किया और कहीं ना कहीं उनके साथ बेहतरीन तरीके से जो दीपावली और जो कार्यक्रम था वो वहाँ पर मनाया गया। चूँकि अगर बात करें जो उत्तराखंड की, तो कहीं ना कहीं जो सैन्य पृष्ठभूमि से खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड से आते हैं, मुख्यमंत्री भी हैं और कहीं ना कहीं जो उनका बैकग्राउंड भी एक सैनिक परिवेश का रहा है, तो लिहाजा ये सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने आज इस चीज को खुद अपनी भावनाओं को समझते हुए आज वो खुद माणा पहुंचे हैं। कुछ देर पहले वो माणा पहुंचे हैं और उनके साथ जो सैनिक हैं उन लोगों के तमाम सैनिकों के साथ उन्होंने जो दीपावली है वो पर्व है वो सेलिब्रेट किया है। राज्यपाल भी इस दौरान मौजूद रहे हैं, दोनों को गार्ड ऑफ ऑनर सेना द्वारा दिया गया है। इस दौरान मिठाई भी वहाँ पर मुख्यमंत्री ने तमाम जो फौजी हैं उनके साथ खाई है और शुभकामनाएं भी सभी लोगों को दी हैं, सभी परिवार वालों को। तमाम रूप से जोश की अगर बात करूं तो सैनिकों में पूरी तरह से जो जोश देखा गया है। हालांकि जिस तरह ये पूरी तरह से जो कार्यक्रम है ये पहले से प्रस्तावित कार्यक्रम था, तो लिहाजा जो पूरी तैयारियां थी वो वहां पर कर दी गई थी माणा में। और अगर हाल फिलहाल की अगर बात करूं तो जिस तरह से माणा का जो मौसम है वहां पर बर्फबारी भी ऊपरी इलाकों में हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जो सैन्य छावनी है उसमें कहीं ना कहीं जो जोश है वो लगातार सैनिकों में देखा गया है। जी बिल्कुल संदीप, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक तरफ हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सैनिकों के बीच ही मौजूद थे। 2014 से वो लगातार सैनिकों के बीच में ही रहकर, जवानों के पास रहकर ही दिवाली मनाते हैं। और इसी के साथ हमने देखा कि आज उत्तराखंड में भी जो मुख्यमंत्री है उनकी तरफ से सैनिकों के बीच में ही मनाया गया है दिवाली का ये त्यौहार। बहुत बड़ी बात है जवानों के बीच में रहकर मनाना, क्योंकि आज हम अगर सुरक्षित हैं, आज अगर हम चैन की नींद सो रहे हैं, तो ये वो जवान ही हैं जिनकी वजह से आज हम इतने चैन से रह रहे हैं, और उनके बीच में दिवाली मनाना ये बहुत बड़ी बात है।
जी बिल्कुल, देखिए बड़ी बात निश्चित तौर पर कह सकते हैं, चूंकि लगातार हमने पिछले दिनों भी देखा था, खुद पीएम मोदी इससे पहले, अगर पिछली दिवाली की अगर बात मैं करूं तो हरसिल में भी वो वहां पर आए थे, खुद मुख्यमंत्री से अगर मैं अगर की बात करें तो अभी वो माणा स्थित में है, और लेकिन उससे पहले भी तमाम रूप से जिस तरह से देखा गया है कि पीएम से लेकर हो या फिर उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री रहे हो, उन्होंने कहीं ना कहीं दीपावली के मौके पर जो सैनिकों के साथ जरूर सेलिब्रेट किया है, और यही सबसे बड़ी जो खुशी है कहीं ना कहीं जो सैन्य परिवारों में ये कहीं ना कहीं उभर कर आती है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि सैन्य धाम भी कहीं ना कहीं अब उत्तराखंड सरकार बनाने जा रही है, जो पांचवा धाम है उस सैन्य धाम के रूप में उत्तराखंड को घोषित किया जाएगा। तो ऐसे में कह सकते हैं कि एक जो शुरुआत का दौर है ये कहीं ना कहीं आज से उभर कर आ गया है सामने। तो जिस तरह से सरकार कह रही है कि उत्तराखंड में चूंकि हर घर से जो सैन्य का जवान यहां पर आता है, तो कहीं ना कहीं सैन्य धाम भी उत्तराखंड को जरूर बनाया जाएगा। तो इसकी जो कवायद है वो भी कह सकते हैं कि आज से सैनिकों के बीच से शुरू हो चुकी है, और ये दीपावली का जो खास मौका था कि जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल वहां पर मौजूद रहे, मिठाई खिलाकर एक दूसरे का से प्यार लिया है, तो कहीं कह सकते हैं कि सैन्य धाम को लेकर भी आज कहीं ना कहीं जो बड़ी बात है वो भी देखने को सामने आई है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया संदीप इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी जवानों के बीच मौजूद रहे, उन्होंने वहां पर अपनी दिवाली मनाई है, और साथ ही उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा आभार मैं जवानों का करता हूं क्योंकि बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून बीजेपी प्रदेश कार्यालय में दीपावली पूजन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज की बधाई भी दी। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि दीपावली का पर्व अशांति पर शांति, बुराई पर अच्छाई और अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। दीपावली माँ लक्ष्मी और देवी अन्नपूर्णा की आराधना और सामाजिक समरसता का पर्व भी है। सीएम ने जनता से अपील की कि पिछले दिनों आई आपदा में जिन लोगों ने अपने प्राण गंवाए हैं, आप सभी से अनुरोध है कि एक दिया उन लोगों के नाम का जलाए। दीपावली का त्यौहार हमारे लिए हमेशा ही ऐतिहासिक रहा है। भगवान राम जब 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या उनका आगमन हुआ तो पूरे देशवासी उनकी आगमन की खुशी में जो है ये पर्व मनाते हैं। मैं इस पर्व पर सभी को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं कि भगवान उनके जीवन में हर प्रकार से सुख समृद्धि शांति, उनकी मनोकामनाएं हर इच्छाएं पूर्ण करें, और हम सब लोग मिलकर प्रदेश के और देश के विकास में अपना योगदान। तो वही 5 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी यहां पुनर्निर्माण कार्यों से दिव्य और भव्य स्वरूप ले रही केदारनाथ में आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके साथ ही करीब 400 करोड़ के पुनर्निर्माण कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए केदारपुरी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहाँ शासन प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी पहुंच चुके हैं। केदारपुरी में हर मूवमेंट के सीसीटीवी के जरिए निगरानी की जा रही है। तो केदारपुरी में हर मोमेंट की जो निगरानी है वो की जा रही है ड्रोन के जरिए। पीएम के दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी हैं। तो कई सारी ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास पीएम मोदी करेंगे। केदारनाथ में पीएम कई कार्यक्रम में हिस्सा भी लेंगे। तो कल का जो दिन है वो बहुत खास होने वाला है। केदारनाथ धाम पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके कई सारे कार्यक्रम होने हैं। तो मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या कुछ है पीएम मोदी का, ये आपको बता देते हैं। पीएम के केदारनाथ दौरे का मिनट टू मिनट कार्यक्रम सुबह 5:55 पर दिल्ली एयरपोर्ट से वो रवाना होंगे। 6:40 पर जॉली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून पहुंचेंगे। सुबह 6:45 पर जॉली ग्रांट से केदारनाथ के लिए रवाना होंगे। सुबह 8 बजे केदारनाथ हेलीपैड पर पहुंचेंगे। सुबह 8 से 8:30 बजे तक केदारनाथ धाम में पूजा करेंगे। 9 से 12:00 बजे तक कई कार्यक्रमों में वो हिस्सा लेंगे। आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल का उद्घाटन भी करेंगे। केदारनाथ के पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा भी लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये आपको हम दिखा रहे हैं मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या कुछ है पीएम मोदी का। कल का दिन बहुत खास होने वाला है। उत्तराखंड में भव्य तरीके से उनका स्वागत किया जाएगा। और इसके साथ ही आपको बता दें कि पब्लिक मीटिंग और केदारनाथ के विकास कार्यों का उद्घाटन भी होगा। दोपहर 12:20 पर जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे पीएम मोदी। दोपहर फिर 12:25 पर जॉली ग्रांट से दिल्ली के लिए वो रवाना हो जाएंगे। तो ये मिनट टू मिनट कार्यक्रम है पीएम मोदी का। और उनके इस दौरे को देखते हुए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
तो वहीं आपको बता दें कि हरीश रावत ने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत की और केंद्र और सरकार पर भी जमकर उन्होंने निशाना साधा। क्या कुछ कहा हरीश रावत ने आपको सुनाते हैं। दीपावली के मौके पर केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कहीं ना कहीं कमी की है और सीधे तौर पर जहां केंद्र सरकार कह रही है कि राहत जरूर दी है और एक तोहफा जरूर दिया है दीपावली के मौके पर, इसी बात को लेकर हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी हैं। सर, आज आपने उपवास भी रखा है, केंद्र सरकार कह रही है कि हमने पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं वो गिराई हैं और कहीं ना कहीं एक तोहफा दिया है प्रदेश की जनता को, देश की जनता को। ये तोहफा नहीं है, ये तो पहले लूट लिया और जब लोगों ने चांटा मारा अच्छा सा हिमाचल में और दूसरी राजस्थान में, तो इनको लगा यार ये तो गड़बड़ होगी, कहीं ऐसा ना हो लूटते लूटते लोग हम ही को लूट करके सड़क में खड़ा कर दें, तो इसलिए जो है ये खाली एक ढकोसला किया है। महंगाई घटी हुई तो तब मानेंगे जब जब खाने के तेल के दाम घटेंगे, दालों के दाम घटेंगे, जब सब्जियों के दाम घटेंगे, जब कुकिंग गैस के दाम घटेंगे, तब मानेंगे कि कुछ हो रहा है करके। पहले लूट लिया, 100 से पार पहुंचा दिया गैस को, ना डीजल और पेट्रोल को। मैंने तो सोचा पहले ही हम अडवाणी जी की जितनी उम्र है उस उम्र पर ला करके अडवाणी जी को श्रद्धांजलि दे रहे होंगे, लेकिन इन्होंने तो देश की जनता को लूट लिया, 100 से पार पहुंचा दिया। दुनिया में सब जगह डीजल पेट्रोल सस्ता हो रहा है और भारत के अंदर महंगा हो रहा है, और आज से नहीं सालों से ये काम कर रही है सरकार जी। कांग्रेस इस चीज़ को लेकर लगातार प्रदर्शन करती आई, आपने भी प्रदर्शन किए हैं पेट्रोल डीजल को लेकर, क्या लगता है कांग्रेस का असर है या फिर लगा कि सरकार को आखिरकार चुनाव हुई? कांग्रेस पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है, निरंतर हमारे नेतृत्व ने उठाया है और अब पूरे देश में हम प्रदर्शन करने जा रहे हैं, तो उससे लोगों का ध्यान हटाने के लिए मोमेंटम न बने कांग्रेस का, तो इसलिए पेट्रोल और डीजल के दाम घटाए गए हैं। लेकिन देखते हैं देखते हैं, हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक आम आदमी को राहत नहीं मिलती है। पीएम मोदी कल केदारनाथ आ रहे हैं, कह रहे हैं कि बड़ी सौगात वहां पर देंगे, करोड़ों की जो योजनाएं हैं उनका शिलान्यास होगा, लोकार्पण भी वहां पर होगा, क्या कुछ लगेगा आपको? ये जितनी हमारी बनाई हुई योजनाएं हैं उन सब का जो है लोकार्पण कर रहे हैं, खाली बोर्ड बदल करके और कुछ जगह ईंटें बदल करके, टाइल्स बदल करके, और तो कुछ किया नहीं है। अरे करना है तो हमने रोपवे का जो प्रोजेक्ट बना करके गए उसको करो, चौराबाड़ी में ब्लॉक्स बनाने का है उसको करो, हमारी मंदाकिनी से जो भूसरण हो रहा है उसको और भैरव जी के घाटी का जो सरण हो रहा है उसको करो, भीमबली में जो प्रोजेक्ट हमारा बड़ा है जिसका आधा ही काम हम कर पाए उसको करो, गौरी कुंड को रिक्लेम करो, पूरी पुरानी स्थिति में लाओ, और हमारी चौमासी वाले रोड का निर्माण करो। ये तो सब कुछ कर नहीं रहे हैं, ये हमने शिलान्यास किया शंकराचार्य जी की, उसका प्रोजेक्ट मंजूर करके गए, अब उसका लोकार्पण करने के लिए आप आए, आप राजा हैं आइए, स्वागत है आपका, लेकिन आने का मकसद राजनीतिक नहीं होना चाहिए, उत्तराखंड का विकास होना चाहिए, और राजनीतिक है तो फिर आप भी राजनीति करो हम भी राजनीति करेंगे, बड़ा कार्यक्रम भी कहीं ना कहीं करेगी। हमने तय किया है कि ये जब केदारनाथ से राजनीति करेंगे हम भी शिव के शरण में जा करके सारे राज्य भर में शिवार्चन शिव की प्रार्थना करेंगे, जलाभिषेक करेंगे। क्या लगता है क्या कि क्योंकि बीजेपी 12 ज्योतिर्लिंगों में लगातार कार्यक्रम कर रही है, बड़ा कार्यक्रम रहेगा, भव्य कार्यक्रम, तो शिव की महिमा को लेकर शिव के नाम पर राजनीति अगर हम इसे देखें तो, क्योंकि आप भी कर रहे हैं खुद मंदिरों में जा रहे हैं। हम तो आस्था से जा रहे हैं, केदार में हमारी आस्था है, हमने तो उस समय केदार में काम शुरू किया जब लोग कहते थे कि चार धाम यात्रा तो भूल जाओ नहीं हो सकती है, लेकिन आज ये भी कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आस्था का फायदा जनता को मिलना चाहिए। ये जो आस्था का प्रदर्शन कर रहे हैं उससे ये अपने फेलियर्स को, अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए कर रहे हैं। ये केदार बाबा से कहें हे बाबा तेरे भक्तों को मैंने जो महंगाई की मार दी है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, तो हम स्वागत करेंगे। देश प्रदेश की जनता को दीपावली पर क्या शुभकामनाएं? मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, ये दीपावली का पर्व जो है प्रेम सौहार्द समृद्धि का पर्व है, और ये जो है प्रकाश का पर्व है, ज्ञान का पर्व है। ज्ञान तभी आता है जब हमारे मन में जो है शांति हो, जब मन में सद्भाव हो,
तो सद्भाव बढ़े और समृद्धि आए, लक्ष्मी हमारे घरों में वास करे, ये मेरी प्रार्थना। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पूर्व सीएम हरीश रावत, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि कल पीएम मोदी केदारनाथ तो आ रहे हैं बल्कि वहां से कुल मिलाकर राजनीति भी करने वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस भी प्रदेश के तमाम शिवालयों में इसी प्रकार के कार्यक्रम चलाएगी और हमेशा से ही चलाती रही है। कैमरामैन राजन बडोला के साथ संदीप नेगी, न्यूज वन इंडिया, देहरादून। केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटाने के फैसले के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा ऐलान किया है। उत्तराखंड सरकार ने आगे आते हुए पेट्रोल पर 2 रुपए प्रति लीटर की अतिरिक्त राहत देने का निर्णय लिया है, जिसके बाद उत्तराखंड में पेट्रोल 7 रुपए सस्ता हो गया है। इसके साथ ही सीएम धामी ने केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने के फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने देश की जनता को दीपावली के शुभ अवसर पर डीजल और पेट्रोल के दामों में भारी कटौती की है। 10 रुपये डीजल की कटौती हुई है, 10 रुपये लीटर डीजल सस्ता होगा और 5 रुपये लीटर पेट्रोल सस्ता होगा पूरे देश के अंदर। हमने तय किया है कि 5 रुपये की जगह हम 2 रुपया, उत्तराखंड सरकार भी कटौती करेगी 2 रुपया, उसमें ऐड करके हम जो है 7 रुपये लीटर प्रत्येक पेट्रोल पर जो है कम करेंगे और ये दरें कल सुबह से ही लागू हो जाएंगी। क्योंकि बैट संग्रहण बहुत कम हो पाया है कोविड महामारी के कारण से, लेकिन फिर भी जो जन कल्याण के क्षेत्र में लोगों की, देश की जनता के लिए मोदी जी ने इतना बड़ा फैसला लिया है, उत्तराखंड सरकार भी इसके साथ चलेगी और हम अब पेट्रोल 7 रुपये सस्ता। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ। नमस्कार।